नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका भाई प्रतीक मलिक, को स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल TCF प्रतीक मलिक पर। और कल मेरे पास काफ़ी सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आई कि सर हिंदी पैडागोजी तो हमसे हो पा रही है, अब 13-14 नंबर आराम से आ जा रहे हैं, आप एक बार हमारा इंग्लिश पैडागोजी और करवा दीजिए। इनफैक्ट इंग्लिश पैडागोजी के प्रीवियस ईयर सारे करवा दीजिए, जिससे हमें एक इनसाइट मिले और हम और बेहतर ढंग से इंग्लिश पैडागोजी कर पाए, क्योंकि हमारे पास में ज़्यादा बच्चे हिंदी मीडियम के हैं। इनफैक्ट जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनको भी कई बार इंग्लिश पैडागोजी के अंदर दिक्कत आ जाती है, तो इस वजह से आज मैं लेके आया हूँ इंग्लिश पैडागोजी की क्लास। ठीक है, सॉरी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही आप हमसे जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप पर भी। व्हाट्सएप नंबर है 8076392717। इस नंबर पर अपना नाम जरूर लिख के भेजना है और सीटेट प्रिपरेशन लिख के भेजना है। जो हेल्प हम कर पाएंगे आपकी हम करेंगे। हम आपको 15 डेज एक क्रैश कोर्स फ्री वीडियो लिंक है, वीडियो क्रैश कोर्स है, उसका लिंक हम आपको भेज देंगे। साथ ही हम आपको भेज देंगे 10 पेजेस के जो EVS के नोट्स हैं हमारे हिंदी और इंग्लिश मीडियम में फ्री नोट्स हैं, वो तो वो हमको भेज देंगे। साथ ही अगर कोई पेड नोट्स भी लेना चाहता है वो भी आप मैसेज कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि आखिर इंग्लिश पैडागोजी इतना हवा क्यों बना हुआ है, समझो एक चीज़। पहली बात तो हमारे जो बच्चे होते हैं ज़्यादातर वो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से आते हैं, तो वो जैसे CDP भी पढ़ेंगे तो वो बस CDP को हिंदी हिंदी पार्ट पढ़ते हैं, इंग्लिश पार्ट नहीं पढ़ते हैं। अगर हमारे पास में कुछ ऐसे बच्चे होंगे ना जो CDP का इंग्लिश वर्जन भी पढ़ सकते हैं, उसको भी साथ में पढ़ते हैं, उसके जो मैं बताता हूँ की पॉइंट है, ठीक है, जैसे उनको ये नहीं पता कि पियाजे ने स्टेज कौन सी दी, वो इंग्लिश में है क्योंकि, ठीक है, तो आपको वो स्टेज याद करनी पड़ेगी क्योंकि वो हो सकता है आपका इंग्लिश पैडागोजी के अंदर भी आ जाए, तो इस वजह से आपको। और पियाजे तो वैसे भी हमारा सॉरी बाहर के साइकोलॉजिस्ट थे, तो उन्होंने तो जो स्टेजेस दिए हैं वो इंग्लिश में ही दिए हैं ना भाई, तो इस वजह से कहीं ना कहीं हमारे लिए बेहतर होता है कि हम उसको उसमें भी पढ़ें, जरूर पढ़ें। ठीक है दोस्तों, तो इसी वजह से मैं हमेशा कहता हूँ कि हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे दोनों में पढ़ा करो, तो आपको जो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे होते हैं उनको हिंदी पैडागोजी के अंदर दिक्कत आती है। ठीक है, पर चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कह रहे हैं इन अ मल्टीलिंगुअल क्लासरूम, अब देखो जो हिंदी मीडियम के वाले बच्चे होंगे अगर उनको यही नहीं पता कि मल्टीलिंगुअल क्लासरूम क्या होता है तो वो क्या आंसर देंगे इसका। देखिए इसका आंसर होता है बहुभाषिक कक्षा, जो हमारी हम हिंदी पैडागोजी के अंदर भी बात कर रहे थे कि बहुभाषिक कक्षा हमारी कौन सी होगी, किसको आप कहेंगे अच्छी, कौन सी अच्छी बहुभाषिक होती है जहाँ के पे बच्चा अपनी लैंग्वेज अच्छे से बोल पाए, उसकी मातृभाषा को आप वैल्यू कर रहे हो, रिस्पेक्ट कर रहे हो। सॉरी भाई तबीयत खराब है थोड़ी सी, इस वजह से दिक्कत हो रही है, पर चलिए। तो कह रहे हैं इन द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉलोड बाई स्कूल, कि स्कूल का जो माध्यम है ना, स्कूल के माध्यम अगर मान लो इंग्लिश मीडियम स्कूल है तो क्लास के अंदर बस इंग्लिश बोली जा रही है, हिंदी मीडियम स्कूल है तो हिंदी बोली जा रही, नहीं ऐसा ऐसा नहीं होता, हमें तो उसकी मातृभाषा को रिस्पेक्ट दिलानी है। इन देयर ओन लैंग्वेज, ओन लैंग्वेज का मतलब क्या होता है समझो, वो अपनी भाषा में बात करेंगे, ठीक है, एंड कैन बी मिक्स ऑफ वर्ड्स फ्रॉम मोर देन वन लैंग्वेज, एक भाषा से ज़्यादा वर्ड उनकी लैंग्वेज के अंदर हो सकते हैं, यही हमारी बहुभाषिक कक्षा होती है, तो इसका आंसर यही होगा। अगर मान लो अब ये देखेंगे ओनली इन द लैंग्वेज प्रिस्क्राइब्ड 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, सॉरी 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में देखो यहाँ पे आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया बच्चे को 3 लैंग्वेज के लिए, तो ये भी नहीं होगा। इन द लैंग्वेज इन विच टीचर इज फैमिलियर, ये भी नहीं है, सेकंड हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखिए डायग्नोस्टिक टेस्ट आपने असेसमेंट में पढ़े हैं CDP के अंदर, मैंने उस टाइम पे आपको बताए थे, तो डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होते हैं, जो आप बच्चे की एक बार गलतियां ढूंढते हैं और फिर उनको ठीक करते हैं, उनके बाद में उसकी रिमेडियल टीचिंग होती है, ठीक है, याद है ना आपको। तो कह रहे हैं फाइंड आउट डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी क्या होती है अगर आपको पता हो तो, उनकी कमियां क्या है उनको पता लगाना है, ऑफ द स्टूडेंट विद अ व्यू टू प्लान रेमेडीज, रेमेडीज रेमेडीज यानी कि उनको ठीक करने के लिए, जो रेमेडियल टीचिंग होता है वो वर्ड ही इससे बना है, रेमेडीज से रेमेडियल टीचिंग बना है कि उसको आपको ठीक करना है, इसलिए उसकी प्लानिंग के लिए आप ये कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या है, इसका आंसर हमारा पहला ही होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा अप्रोच और मेथड, जो मैंने करवाया है उसमें से है, यानी स्ट्रक्चरल अप्रोच गिव्स मोर इम्पोर्टेंस, किसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है स्ट्रक्चरल अप्रोच, तो वो मैंने आपको बताया था कि वो हमारा रीडिंग और राइटिंग से ज़्यादा स्पीच को ज़्यादा अप्रोच, स्पीच को ज़्यादा महत्व देता है,
और इस स्ट्रक्चरल अप्रोच के अलग अलग नाम होते हैं, समझिएगा इसको। ये हमारी न्यू अप्रोच भी बोल देते हैं, इसी को ओरल ओरल अप्रोच भी बोल देते हैं, ठीक है। इसी को आप हमारा सिचुएशनल टीचिंग भी बोल देते हैं। तो यही है वो, ठीक है। इसके अंदर हमारा स्पीच को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। दिखा देता हूँ एक बार मैं आपको। वैसे भी ये जब मैंने आपको करवाया था तो उसके अंदर मैंने बताया था SOS अप्रोच होता है, सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग। इट इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रक्चरल अप्रोच, न्यू अप्रोच, ओरल ओरल अप्रोच। इट फोकस मोर ऑन द स्पीच देन रीडिंग एंड राइटिंग। रीडिंग और राइटिंग से ज़्यादा ये स्पीच के ऊपर ज़्यादा फोकस करती है, ठीक है दोस्तों। फिर आप नीचे देखेंगे इसके फीचर्स हैं, इसके मतलब सारी चीज़ें आपको, जो हमारे जो पेड नोट्स हैं ना उसके अंदर आपको सारी मिल जाएंगी। ये अप्रोचेज हैं, ये अलग अलग आपकी अप्रोचेज आ जाएंगी, ठीक है। एक्लेक्टिक अप्रोच है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है, डायरेक्ट मेथड है। आप फिर आगे डॉक्टर वेस्ट मेथड आ गया, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स आ गया, ऑडियो लिंगुअल मेथड आ गया है, लर्निंग इमर्शन, मतलब कि जितने मेथड होते हैं ना लगभग इसके अंदर मैंने सारे डाल रखे हैं। सजेस्टोपीडिया आ गया, तो आप देख पाएंगे कि ये काफ़ी सही है। अगर आपको किसी को लेने हो तो ले सकते हैं आप, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं फिर। देखो एक चीज़ और बताता हूँ, पहले इंग्लिश पैडागोजी मेरी भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। रीज़न उसका क्या था, क्योंकि मैंने जब अपना डिप्लोमा किया, DLED किया, तो हमारा कोर्स में टीचिंग ऑफ इंग्लिश था ही नहीं। तो जब मैंने पढ़ाई नहीं तो मैं इसको कैसे कर पाता। तो मेरे सीट में जब मैंने पेपर दिया था, जब मैंने क्लियर किया था, तो इंग्लिश पैडागोजी में एज सच इतने खास मार्क्स नहीं थे। लेकिन फिर अब मैं जब MA कर रहा हूँ मैं इंग्लिश के अंदर, उसमें पहले साल में तो मैंने फोनेटिक्स पढ़ी है, ठीक है। फोनेटिक्स क्या होती है, आपका जो ये सिंटैक्स वगैरह और ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं ना, ये मैंने बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ी है MA इंग्लिश के अंदर, ठीक है। हमारी पूरी एक मोटी किताब इसकी अलग थी। इसी तरह से अब सेकंड ईयर में टीचिंग ऑफ इंग्लिश की किताब है, तो उससे मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है, ठीक है। उसी से मैंने आपके एक तरह से कहेंगे पढ़ के, और फिर मैंने फॉरेन राइटर्स की कुछ बुक पढ़ी, तो वहीं से मैंने आपके नोट्स बनाए हैं। और मेरे हिसाब से ये मोर देन एनफ है, क्योंकि मैंने देखा कि वो पढ़ने के बाद मेरे को ये इंग्लिश वाला पेपर कुछ लग ही नहीं रहा था, वो सिंपल सा था। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं इनमें से बताओ, विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर मीनिंग बेस्ड एक्टिविटी। इनमें से कौन सी चीज़ मीनिंग बेस्ड एक्टिविटी में नहीं आती। इंटरेक्टिंग विद टेस्ट, यूजिंग प्रीवियस नॉलेज, यूजिंग द टेक्स्ट एंड देन नरेटिंग सेम टू पीयर्स। अब देखो समझो एक चीज़, आपको मीनिंग समझ में आया या नहीं आया, इनमें से आप कौन सा कहोगे। इंटरेक्टिंग विद द टेक्स्ट, आप इंटरेक्शन कर रहे हो, समझ रहे हो, जो जो आपने आप बच्चों को टेक्स्ट दिया उसको लेकर आप आपस में इंटरेक्ट कर रहे हो, तो ये चीज़ हो सकती है। यूजिंग प्रीवियस नॉलेज, प्रीवियस नॉलेज भी आप कब यूज़ करोगे, जब आपको टेक्स्ट समझ आ जाएगा उसी से तो रिलेट करोगे आप उसको। रीडिंग द टेक्स्ट एंड देन नरेटिंग टू द सेम टू पीयर्स, अब जो आपने पढ़ा टेक्स्ट उसको आप बच्चों को समझा रहे हो, अपने साथ के दोस्तों को समझा रहे हो, तो आपको समझ में आएगा तभी तो। रीडिंग आउट एवरी वर्ड अलाउड, कि जोर जोर से ऊंचा पढ़ा है आपने और फिर आपको आपने उसको ट्रांसलेट कर दिया। अब समझो एक चीज, ट्रांसलेट करना हमारा ये मतलब नहीं होता कि हमको किसी चीज का मीनिंग आ गया। ट्रांसलेशन कई बार हम ये गलती कर लेते हैं, अगर कोई बंदा किसी चीज का ट्रांसलेशन कर देता है तो उसको उसका मीनिंग भी आ जाएगा। एक एग्जांपल दिखाता हूँ, कई बार ऐसा होता है कि आपको एक इंग्लिश वर्ड है उसका मतलब नहीं पता, आपने उसको सर्च किया, ठीक है, सर्च करने के बाद में एक हिंदी वर्ड आया, ट्रांसलेट तो हो गया, लेकिन वो हिंदी वर्ड ऐसा आया जो बहुत खतरनाक वाली हिंदी है, उसका मतलब भी आपको नहीं पता, समझ रहे हो, उसका भी मतलब आपको नहीं पता, तो वो ट्रांसलेशन तो हो गई, लेकिन आपको क्या लगता है, आपको उसका मतलब जरूरी थोड़ी है पता चल जाएगा, समझ रहे हो। तो ट्रांसलेट कर लिया अगर किसी बच्चे ने, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो उसको मीनिंग पता ही चल गया है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर गलत है, चौथे वाला। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश कंप्रीहेंशन इज द स्किल ऑफ द रीडिंग अ पीस ऑफ टेक्स्ट क्लोजली और इंटेंसली फॉर द पर्पज ऑफ एक्सट्रैक्टिंग द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट। ये चीज़ भी मैंने अपने नोट्स के अंदर दे रखी है, और पहले जो क्रैश कोर्स करवाया उसके अंदर मैंने बता रखी है। दिखा देता हूँ ये भी थोड़ी सी मैं आपको। ये तो भैया टैग वर्ड्स हैं, जैसे नेगेटिव पॉजिटिव जो मैं आपको दिखाता हूँ, फिर ये फंक्शन ऑफ नॉलेज हो गए, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज हो गई है, ठीक है। फिर आपका ये
आपका डिफरेंस आ गया लर्निंग और एक्विजिशन। ये हिंदी में कहूँ तो ये अधिगम होता है और ये आपका अर्जन होता है। तो उसके अंदर क्या डिफरेंसेस होते हैं वो सारी चीज़ें बता रखी हैं, मीनिंगफुल इंस्ट्रक्शंस होते हैं। फिर ये मल्टीलिंग्विज्म आ गया, सम बेसिक फैक्ट्स आ गए जो कई बार पूछ लेते हैं, जैसे कोई आर्टिकल वगैरह से कोई क्वेश्चन आ गया, कितने फोनीम होते हैं, कितने, ये सारी चीज़ें होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपका इसके अंदर डाल दिए मैंने कि अगर आपसे आए तो आप कर लोगे। फिर लैंग्वेज लर्निंग हो गया है, लैंग्वेज लर्निंग के आपके अंदर आपका स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज लर्निंग होता है, लर्निंग स्टाइल हो जाता है। फिर आपका लैंग्वेज स्किल्स हो जाता है। लैंग्वेज स्किल भी आपकी दो तरह से होती है, एक तो ओरल ओरल अप्रोच होती है, एक ग्राफिक मोटर होती है, या प्रोडक्टिव और रिसेप्टिव, जिसको आप ग्रहात्मक और अपना अभिव्यक्त्यात्मक कह सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको क्रैश कोर्स में भी करवा रखी है। फिर टीचिंग रीडिंग आ गया, ठीक है, इसके अंदर भी आपके तीन स्टेजेस होते हैं, रिकॉग्निशन होता है, स्ट्रक्चर होता है, इंटरप्रिटेशन होता है। फिर टाइप्स ऑफ रीडिंग आ गया, इंटेंसिव, एक्सटेंसिव, स्कैनिंग, स्कीमिंग, लाउड रीडिंग, साइलेंट रीडिंग। फिर ये देखो, ये आ गया टाइप्स ऑफ कॉम्प्रीहेंशन। अब जो आपका वहाँ जो जो क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, यहाँ जो क्वेश्चन है इज द स्किल ऑफ द कि कौन से वाला है ये। अब समझो, इसको थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ आपको। अब देखिए, चारों के बारे में आपको बताऊंगा एक एक करके, ठीक है। पहले हम ले लेते हैं ग्लोबल और लोकल। ग्लोबल होता है, आपने कभी नोवेल वगैरह पढ़ा है, नोवेल पढ़ा हो, कोई स्टोरी पढ़ी हो, तो आप उसको पढ़ते हैं। किस लिए पढ़ते हैं? कि आप अपने जनरल प्लेजर के लिए पढ़ते हैं, और आपको एक सेंस चाहिए होता है। आप कोई लाइन टू लाइन रटते नहीं है चीज़ों को, आपको एक चीज़ चाहिए होता है। मतलब देखो, ये कंप्रीहेंशन क्या है? कंप्रीहेंशन है हमारी अंडरस्टैंडिंग, यानी कि हमें कितना समझ आया उस चीज़ का, समझ रहे हो? तो आप उसकी एक जनरल सेंस समझना चाह रहे हो, आपको आपको एक समरी मिल जाए। अगर आपको कहे कहेंगे आपने एक नोवेल पढ़ी है 350 पेज की, और आपको कहेंगे अब आप सुनाओ, तो अब आप जो सुना पाओगे ना, तो वो ग्लोबल कम्प्रीहेंशन में जो आपके दिमाग में चली गई होंगी ना चीज़ें, वही सुना पाओगे आप, उसकी समरी बता पाओगे, लाइन टू लाइन चीज़ें नहीं बता पाओगे। तो ये तो होता है हमारा ग्लोबल कम्प्रीहेंशन, कि आपने ओवरऑल आप एक जनरल सेंस बता सकते हो। और इसके अंदर जो मेन मोटिव होता है हमारा पढ़ने का, वो इसलिए होता है क्योंकि हमें मजा आ रहा होता है, अपने प्लेजर के लिए पढ़ रहे होते हैं। लेकिन जो हमारा लोकल होता है ना, लोकल हम किसी एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के लिए पढ़ रहे होते हैं। जैसे कि ये जो यहाँ दिया हुआ है आपको, जो रीडिंग आपने की होगी, रीडिंग टाइप ऑफ रीडिंग में, तो जो इंटेंसिव होती है, इंटेंसिव जो रीडिंग होती है, ये उसी का एक कह सकते हैं। इंटेंसिव रीडिंग से आपको जो कंप्रीहेंशन मिलता है वो लोकल कंप्रीहेंशन मिलता है, समझ रहे हो? वो क्या मिलता है? लोकल कंप्रीहेंशन मिलता है, ठीक है। ट्रांजेक्शनल नहीं होता, इन्फ्रेंशियल होता है, और हमारा एक्स्ट्रापोलेटिव होता है। अब समझो, जो इन्फ्रेंशियल होता है, ये कहीं ना कहीं से हमें ये पता चलता है कि वो चीज़ कही गई है, वो किस कल्चर के बारे में बात कर रहा है, या मतलब कहीं ना कहीं किसी चीज़ का इन्फ्रेंस मिलता है हमें, समझ रहे हो? तो वो इन्फ्रेंशियल होता है। और जो एक्स्ट्रापोलेटिव होता है वो जब हमें उसकी जो वो चीज़ होती है वो कहीं और यूज़ करनी होती है, समझ रहे हो? वो कंप्रिहेंशन कहीं और यूज करनी आती है। जैसे कि जो लॉयर वगैरह होते हैं वो प्रीवियस केस वगैरह को स्टडी करते हैं। अगर आपने पुलिटी वगैरह पढ़ी हो, तो उसके अंदर जब बात करते हैं, प्रस्तावना की बात करते हैं, या किसी चीज की बात करते हैं कि प्रस्तावना हमारा संविधान का पार्ट है या नहीं है, तो हम इसी तरह से आपके पुराने केस पढ़ते हैं जो सुप्रीम कोर्ट का आया है, केशवानंद भारती केस, सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट केस बोला जाता है इसके अंदर वो है, जिसके अंदर 13 जजों की अदालत ने फैसला दिया था, 13 जज बैठे थे उसके अंदर। वो अब तक की सबसे हाईएस्ट जज बैठे हैं वो अदालत रही है वो, ठीक है, वो बेंच सबसे हाईएस्ट रही है जिसके अंदर सबसे हाईएस्ट जज बैठे हैं। तो ये सारी जो चीज़ें होते हैं ना, अब मान लो मैं उसको पढ़ रहा हूँ, केशवानंद भारती केस को पढ़ रहा हूँ, तो मेरे को जब ये लॉयर क्या करते हैं, लॉयर उसी का जो रिजल्ट होता है उसका यूज़ करते हैं कहीं ना कहीं और, कि फलाने केस के अंदर ये वाली चीज़ बताई गई थी। तो वो क्या करते हैं, वो एक्सप्लोरेटिव कंप्रिहेंशन करते हैं, वो एक्सप्लोर करते हैं चीज़ों को, समझ रहे हो? तो ये होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। अब देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा अच्छा है, कह रहे हैं कि इट इज़ अ टाइप ऑफ राइटिंग इन विच द टीचर प्रोवाइड द सिचुएशन एंड हेल्प द क्लास टू प्रिपेयर इट। द टीचर कंटिन्यूसली प्रोवाइड फीडबैक, डायरेक्शन, एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज टू द लर्नर, ठीक है। टीचर बच्चे को क्या कर रहा है, फीडबैक दे रहा है, डायरेक्शन दे रहा है, और एक्सपेंशन ऑफ द आइडियाज दे रहा है लर्नर को। आपके हिसाब से कौन सी है? पहली बात तो देखते हैं हम राइटिंग की, हमारी तीन टाइप ऑफ राइटिंग होती है, ये तो होता ही नहीं है, प्रोडक्ट राइटिंग नहीं होता। पहली होती है हमारी कंट्रोल राइटिंग। कंट्रोल राइटिंग क्या होती है?
जो आप चाहते हैं बच्चा वही लिखे। आपने जैसे मान लो ये है, सीटेट वाले हैं, सीटेट ने एक ब्लैंक दे दिया, यहाँ ब्लैंक दे दिया, इनमें से बताओ कौन सा आंसर होगा, ये वाला आंसर होगा, तो वो यही चाहता है, यही आप लिखो, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो फिल इन द ब्लैंक्स या इस तरह की चीज़ें होती है, कंट्रोल राइटिंग उसका एक एग्जाम्पल होता है। फिर एक आती है गाइडिंग राइटिंग। गाइडेड राइटिंग के अंदर कंट्रोल तो नहीं होता, लेकिन बंदा डायरेक्शन देता है, फीडबैक देता है, एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज देता है। जैसा कि जो यहाँ है, तो इसका मतलब आंसर है सेकंड। अब इसका किस तरह से आप कह सकते हैं कि मान लो मेरे को बच्चे को ये कहना है कि भैया आप मुझे लिख कर दिखाओ, स्टोरी लिख कर दिखाओ। लेकिन स्टोरी लिखते टाइम पे हम जब 10th में थे, तो एक चीज़ आती थी, 10th में थे 9th में पता नहीं क्या था, तो उस टाइम पे स्टोरी के कुछ पॉइंट्स जो क्यूज होते थे वो दे देते थे कि स्टोरी में ये भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए। तो मतलब उस बंदे ने हमें कहा कि लिख के दिखाओ, लेकिन उसके अंदर कहा दिया कि भाई तुम्हारी स्टोरी के अंदर खरगोश भी आना चाहिए, कछुआ भी आना चाहिए, इस हिसाब से तुम स्टोरी लिख के दिखाओ। अब उसके अंदर हमें क्रिएटिविटी दिखाने का मौका तो मिला है, लेकिन हमको गाइड कर रहा है वो कि भैया हमारा कुछ ऐसा नहीं है, कभी तुम लिख दो सुपरमैन बैटमैन की ना, हमें जो चाहिए उसके अंदर कछुआ और खरगोश वाली आनी चाहिए, ठीक है। फिर एक आती है फ्री राइटिंग। फ्री राइटिंग ये होती है जिसके अंदर आपने बच्चे को छोड़ दिया कि भैया लिखो जो तुम्हारा मन करे, तो वो हमारा हाईएस्ट लेवल होता है। ये तीसरे वाला हमारा हाईएस्ट लेवल होता है, इसका आंसर था सेकंड। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। फिर कह रहे हैं टीचर आज स्टूडेंट ऑफ द क्लास 5 टू रीड द टेक्स्ट थोरोली, देन शी आस्क देम टू आंसर द क्वेश्चन ऑफ द रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। मतलब कि वही होगी ना, जो आप पैसेज वगैरह पढ़ते हो उसके क्वेश्चन पूछ लिए। इन दिस प्रोग्राम शी एनकरेजिंग स्टूडेंट, फॉर स्टूडेंट को किस लिए एनकरेज कर रही है कि उसने जो क्वेश्चन पूछे ना बच्चों से, पांच पांच क्वेश्चन पूछ लिए, अब बच्चा उन पांच का आंसर बता पाएगा। तो बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा एक स्पेसिफिक जो इन्फॉर्मेशन है उसको वो निकालनी है। वो हमारा क्या होता है, वो हमारा इंटेंसिव रीडिंग होता है, वो हमारा क्या होता है, इंटेंसिव रीडिंग होता है, ठीक है। दोस्तों पता है मुझे आज थोड़ा सा स्लो चल रहा है, पर मेरे को ऐसा लग रहा है कि इंग्लिश के अंदर थोड़ा स्लो ही करवाऊंगा तो ही आपको बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं ये बताओ कंप्रिहेंशियबल आउटपुट आपका किससे रिलेटेड है, स्टेफन क्रेशन से रिलेटेड है आंसर है हमारा ये। नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सब स्किल ऑफ रीडिंग, रीडिंग की सब स्किल इनमें से कौन सी नहीं है। कनेक्ट करते हो, कनेक्ट करते हो, प्रिडिक्ट करते हो, मैंने बताया था आप अनुमान लगाते हो रीडिंग के टाइम पे, सिंथेसाइज करते हो, बिल्कुल सही बात। ट्रांसक्रिप्ट, ट्रांसक्रिप्ट हमारी राइटिंग से रिलेटेड होती है, ठीक है, ना कि रीडिंग से रिलेटेड, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एनहांसिंग स्पीकिंग स्किल। स्पीकिंग स्किल यानी कि जो हमारा आपका कौन सा कौशल था, वो मौखिक कौशल आप ये कह सकते हो, वो उसको बढ़ाने के लिए हमारा सबसे कम महत्वपूर्ण तो कौन सा था, ठीक है। तो कह रहे हैं लिसनिंग पेशेंटली चिल्ड्रंस टॉक, जो बच्चों की बातें हैं वो ध्यान से सुनना, सही बात है, कोई दिक्कत की बात है। गिविंग अपॉर्चुनिटी, अवसर पैदा करना, ये अवसर है अपॉर्चुनिटी, तो इसको समझ ले पॉजिटिव वर्ड होता है। एक्सप्रेस आस्किंग क्लोज एंडेड क्वेश्चन, क्लोज एंडेड क्वेश्चन हमारी नेगेटिव चीज है, मतलब नेगेटिव चीज है, वो हमें लिमिट करती है बच्चे को कि ये बताओ जो हमारे अभी तक पूछे जाते थे, समझ रहे हो। हमारा अभी जब मैंने हिंदी पेडागोजी करवा रहा था, तो उसके अंदर मैंने दिखाया था आपको कि कौन सा क्वेश्चन हमारे लिए अच्छा होता, कौन सा नहीं होता। तो वो कहते थे बताओ फलाने ने क्या खरीदा, क्या खरीदा का आंसर मान लो चिमटा है, तो वो चक चिमटा ही बताएगा ना, तो वो चीज़ें उसकी स्पीकिंग स्किल को इतना एनहांस नहीं करती है। तो यही हमारा आंसर है, तीसरा हमारा आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। देखिए कह रहा है एट प्राइमरी लेवल लिटरेचर इज हेल्पफुल इन डेवलपिंग लैंग्वेज ऑफ लर्नर, ठीक है, कि जो हमारा आपका वो चिल्ड्रन लिटरेचर या कोई सा भी लिटरेचर हो सकता है, वो कह रहे हैं प्राइमरी लेवल पे वो कैसा हेल्प करेगा। तो प्राइमरी लेवल पे तो हम मेनली चिल्ड्रन लिटरेचर यानी कि जो बाल साहित्य होता है उसी के बारे में बात करते हैं। कह रहे हैं इट एनकरेज लर्नर टू कंप्लीट द वर्कशीट। अब वर्कशीट वगैरह टेस्ट वगैरह ये हमारे नेगेटिव होते हैं, ये हमें नहीं करने हैं। फिर कह रहे हैं इट इज ऑथेंटिक मटेरियल कवरिंग वेरियस जेनर, ये हमारा है कि वो ऑथेंटिक मटेरियल होता है। ऑथेंटिक मटेरियल क्या है, जो रियल में जो चीज़ें घटी हैं और वो वैसे की वैसे ही होते हैं, इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे, ऑथेंटिक मटेरियल कौन से होते हैं, ठीक है। इट डेवलप्स टीचर्स इंटरप्रेटिव क्रिएटिव एंड क्रिटिकल एबिलिटी। कई बच्चे मेरे को ये कहते हैं कि सर इसका आंसर ये वाला क्यों नहीं हुआ, थर्ड कौन सा क्यों नहीं हुआ, इसके अंदर क्रिएटिव भी है, क्रिटिकल भी है, इंटरप्रेटिव एबिलिटी भी है, तो ये तो हमारे पॉजिटिव वर्ड होते हैं। लेकिन भैया पहले ये तो देख लो, ये बढ़ा किसके रहा है, किसके विकास कर रहा है, ये बच्चों को, बच्चों का थोड़ी कर रहा है, ये टीचर का कर रहा है, टीचर्स का करा है। अब कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि ये गलत लिखा हुआ है टीचर्स,
ठीक है, ये भी बता देता हूँ, टीचर ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसे कह देंगे वो, ये गलत लिखा हुआ है, पर नहीं भैया ये सही लिखा हुआ है, जो हमारा प्लूरल हो जाता है, अपोस्ट्रफी एस वाली एक वीडियो बना रखी है मैंने आपको, वो आप देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि अपोस्ट्रफी एस का क्या वैल्यू होता है, मैं आपको लिंक भी भेज दूंगा अगर आप बाद में मांगोगे तो, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, केवीएस के टाइम पे बनाई थी मैंने, नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं टीचर प्रिपेयर अ वर्कशीट रिमूव्स एवरी सेवन्थ वर्ड, मतलब उसने हर एक जो भी वर्कशीट बनाई, जो उसने पैराग्राफ लिखा उसके बाद में उसने सातवां वर्ड हर में से हटा दिया। देन शी आस्क लर्नर टू रीड द टेक्स्ट, आफ्टर दैट दे वर आस्क टू कंप्लीट द, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स की तरह दे दिया उनको, बताओ कहाँ क्या आएगा। तो मैंने बताया था वो क्या होता है, वो हमारा क्लोज टेस्ट होता है, वो क्या होता है भैया, क्लोज टेस्ट होता है जब आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरने होते हैं। ये हिंदी में भी था हमारा क्वेश्चन, ये इंग्लिश में भी आ गया। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं लैंग्वेज इज आर्बिटरी, लैंग्वेज आर्बिटरी है, ये हमारा फंक्शन ऑफ लैंग्वेज है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज होते हैं। तो कह रहे हैं कि तो इसका मतलब क्या है, इस चीज का मतलब क्या होता है, तो इसका मैं डायरेक्ट आपको मतलब बता देता हूँ, इस फंक्शन का मतलब क्या होता है। इस फंक्शन का ये मतलब होता है कि कोई लॉजिकल रिलेशन नहीं है हमारा, कोई हमारा लॉजिकल रिलेशन नहीं है किसी वर्ड में और किसी चीज के अंदर, समझ रहे हो। तो ये कह रहे हैं देर इज नो इनहेरेंट रिलेशन बिटवीन वर्ड ऑफ अ लैंग्वेज एंड देयर मीनिंग, किसी वर्ड में और उसके मीनिंग में हमारा कोई लॉजिकल मतलब नहीं है, ठीक है। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लो कैट है, कैट को हम कैट ही क्यों कहते हैं, सोच के देखो, ठीक है। बैट है, बैट को हम बैट ही क्यों कहते हैं, समझ रहे हो। अगर लॉजिकल मीनिंग होता ना तो कैट और बैट का आसपास मीनिंग होता, लेकिन अगर आप देख पाओगे इनका तो बिल्कुल अलग अलग है, समझ रहे हो। तो ये जो होता है ना कि हमने जो वर्ड दे दिए उनका कोई, कैट को कैट क्यों कहते हैं आपसे बच्चे ने पूछा, तो बस कहते हैं बस यही है इसका मतलब, उसके मीनिंग के पीछे ऐसा चीज ना ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है, उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं लगा हुआ। अब देखो ये इसके अंदर भी एक कैच है, क्या कैच है कि आपके कुछ रूट वर्ड होते हैं, रूट वर्ड का मतलब होता है वो प्योर वर्ड होते हैं, आप उनके और टुकड़े नहीं कर सकते। तो ये उनके ऊपर होता है कि लैंग्वेज की जो आर्बिटरीनेस है वो वहीं तक सीमित है, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूंगा सिकनेस, सिकनेस, ठीक है, तो अब कुछ कह देंगे कि हाँ जी कोई दिक्कत की बात नहीं है, हो जाएगा सिक प्लस नेस, तो इस हिसाब से हमने कर लिया, लॉजिक बना के देख लिया। तो ये जो हमारा सिकनेस वर्ड है ना, ये मेरा सिक वर्ड से बना है, तो सिक को हम सिक क्यों कहते हैं, बात यहां आ जाती है, आया समझ में। सिकनेस का तो आप बता सकते हो, ठीक है, उससे कुछ वर्ड बने हुए हैं, रूट वर्ड है और ये सारी चीजें हैं, तो इनके बारे में मैं आपको कभी बाद में बताऊंगा रूट वर्ड क्या होते हैं हमारे, ठीक है। क्योंकि हमारे लगभग जितनी इंग्लिश चल रही है ना वो अपनी इंग्लिश नहीं है, वो अलग अलग जगह से ली गई है, ठीक है, वो अलग अलग जगह से वर्ड आए हैं, उसी को बदल बदल के हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो जो वर्ड आए हैं उनका एज सच, अब हिंदी में भी अगर मैं बात करूं, हिंदी हिंदी के अंदर भी बात करूं, तो बिल्ली क्यों कहते हैं, बिल्ली कहने का कोई औचित्य थोड़ी है, ठीक है, कि बिल्ली को बिल्ली क्यों कहता हूं मैं, तो यही मतलब होता है कि आर्बिटरीनेस का, कि लैंग्वेज आर्बिटरी, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। आसान क्वेश्चन है, टीचर ऑब्जर्व द परवीन कुड नॉट राइट अ पैराग्राफ ऑन हर ओन आफ्टर ब्रेन स्टॉर्मिंग द टॉपिक, हाउएवर शी एबल टू राइट द इट अंडर द एडल्ट और पीयर गाइडेंस, द गाइडेंस इज कोल्ड। मैंने बताया था जब पीयर गाइडेंस या एडल्ट कोई गाइडेंस देता है तो वो क्या होती है, वो मेरी स्काफ होल्डिंग होता है, ठीक है। ये क्या हो गया मेरा, ये एम के ओ हो गया है, एम के ओ मोर नॉलेजेबल अदर्स, और ये स्काफ होल्डिंग हो गया, इसका आंसर स्काफ होल्डिंग है, ठीक है, जो वाइगुस्की ने कहा था। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं द पर्पज ऑफ टेक्सुअल एक्सरसाइज इज नोट, आपके हिसाब से टेक्सुअल एक्सरसाइज का पर्पज कौन सा नहीं होगा, क्रिएटिविटी पॉजिटिव वर्ड है, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी पॉजिटिव है, मेमोराइज, मेमोराइज यानी याद करना ये हमारे लिए नेगेटिव है, यही हमारा आंसर है, थर्ड हमारा आंसर है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं टीचर वांट्स टू क्रिएट अ लैंग्वेज रिच एनवायरमेंट, कि एक टीचर है वो क्लास के अंदर लैंग्वेज रिच एनवायरमेंट क्रिएट करना चाह रहा है, तो आप क्या करेंगे, एस्टेब्लिश अ लैंग्वेज लैब इन हर क्लास, लैंग्वेज लैब आप एस्टेब्लिश करवा देंगे, मोटिवेट पेरेंट्स टू बाय ए लैंग्वेज गेम्स एंड एक्टिविटी, बच्चों पेरेंट्स को कहेंगे कि लैंग्वेज, देखो लैंग्वेज गेम्स एक तरह से अच्छी चीज़ है, लेकिन माता पिता को ये थोड़ी कहेंगे इनको खरीद के ला के दो, लैंग्वेज गेम्स हमारे फ्री भी होते हैं जो बच्चे टीचर डेवलप करता है क्लास में खिलाता है, तो ये तो गलत है, ऊपर वाला भी गलत है। लैंग्वेज लैब 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 में भी आप लैंग्वेज लर्निंग होती है, हमें एक्विजिशन करवाना है लैंग्वेज का, जब लैंग्वेज एक्विजिशन करवाएंगे ना भाई तो उससे बच्चे की ज़्यादा वो लैंग्वेज सीख पाएगा, ठीक है।
प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी, अवसर पैदा कर रहे हैं हम बच्चों के लिए। तो यही हमारा आंसर है, अपॉर्चुनिटी अवसर। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। ये क्वेश्चन अभी हमने करा भी था कि लिटरेचर ऑफर फॉर चिल्ड्रन यानी जो बाल साहित्य होता है इज कंसिडर्ड एज एन कौन सी रीडिंग का होता है, ऑथेंटिक होता है, ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, ऑथेंटिक नॉन ऑथेंटिक, इसके बारे में मैंने अपने क्रैश कोर्स के अंदर बता रखा है, वो देख लेना भाई आप लोग। नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं इनमें से बताओ कि बच्चों की लिटरेचर बाल साहित्य कौन सा नहीं है, लिटरेचर फॉर चिल्ड्रन इनमें से कौन सा नहीं है। पिक्चर बुक हमारा लिटरेचर होता है, थेसोरस, थेसोरस हमारी डिक्शनरी होती है, डिक्शनरी को आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका बाल साहित्य में आएगा क्या? नहीं भाई, ये नहीं आता। ये मिथ एंड लेजेंड एंड टेल्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ हीरोज, ये भी बाल साहित्य है कि एक किताब आती है, और ये भी, ठीक है, जिस भाई ने कभी पढ़ी होगी, ये तो मैंने पढ़ रखी है, मिथ टेल्स ऑफ हीरोज एंड हिस्ट्री। नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं इनमें से आप किस चीज को ये नहीं कहेंगे कि वो प्रिंट रिच एनवायरमेंट है, ठीक है, प्रिंट रिच एनवायरमेंट, कैसे बताऊं, प्रिंट समृद्ध वातावरण आप इनमें से कौन सा नहीं कहेंगे। कह रहे हैं कि इट कंसिस्ट कंटेक्स्ट बेस्ड रेलेवेंट मटेरियल फॉर चिल्ड्रन सच एज पिक्चर राइम स्टोरीज। बिल्कुल सही बात है कि ये उसके अंदर आता है कि बच्चों से रिलेटेड कोई स्टोरीज वगैरह है वो आपने चिपका रखी है। वन द मटेरियल इज पेस्टेड ऑन वॉल इट शुड नॉट बी रिमूव द होल सेशन, कि पूरे के पूरे सेशन, एक साल में आपने कोई चार्ट वगैरह चिपका दी जो कि स्कूलों में होता है, कह रहे हैं वो चिपके रहने चाहिए, सारे साल उतरेंगे नहीं। नहीं भैया, वो प्रिंट रिच हुआ कहाँ, बच्चों ने पढ़ लिया उसके बाद तो वो उनको बोर करेगा, ठीक है, तो वो चीज़ गलत होती है। इससे बढ़िया ये होता है आप उसको बदलते रहो और उसको जो बच्चों के काम की चीज़ आ रही है वो चिपकाते रहो, क्या दिक्कत है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। देखिए कह रहे हैं कि अ टीचर गिव्स अ टास्क टू डायलॉग कंप्लीशन टू क्लास फाइव स्टूडेंट, कक्षा पांच के बच्चों को वो कहती है कि ये कुछ डायलॉग है इनको कंप्लीट करो। द रोल ऑफ दिस टास्क इज इन लैंग्वेज लर्निंग विल बी, कैसा रहेगा आपके हिसाब से। कह रहे हैं टीचिंग ऑफ स्ट्रक्चर, टीचिंग ऑफ स्ट्रक्चर तो नहीं है। द सेपरेशन ऑफ स्पोकन एंड रिटन फॉर्म ऑफ लैंग्वेज, नहीं। टू फैसिलिटेट कन्वर्सेशन बाई गिविंग स्पेसिफिक लैंग्वेज प्रैक्टिस यूजिंग फॉर्मूला एक्सप्रेशन, ठीक है। बच्चा क्या कर रहा है देखो, समझो, ये उसको फैसिलिटेट कर रहा है, वो उनकी कन्वर्सेशन, उनकी जो वार्तालाप होती है या जो चीज़ भी है उसको बढ़ाने के लिए, उसको फैसिलिटेट करने के लिए। आपको ये पता होना चाहिए जो फैसिलिटेटर है ना, हमारा जो रोल ऑफ टीचर है अकॉर्डिंग टू एनसीएफ, वो फैसिलिटेटर है, वो इसी वर्ड से बना है, फैसिलिटेट से। तो ये कह रहे हैं कि वो फैसिलिटेट कर रहा है गिविंग स्पेसिफिक लैंग्वेज प्रैक्टिस यूजिंग फॉर्मूलाइक एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है, अपनी अभिव्यक्ति बच्चे कर पाएंगे, तो ये हमारे लिए पॉजिटिव चीज होती है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं यूजिंग रियलिया इन द लैंग्वेज लर्निंग ब्रिंग्स, क्या मींस ब्रिंगिंग क्या है, रियल लाइफ सिचुएशन टू कम्युनिकेट, रियल ऑब्जेक्टिव एज टीचिंग एड। रियलिया आपका होता क्या है पहले तो ये समझो भैया, रियलिया होता है जब मैं कोई रियल चीजें क्लास के अंदर लेके आता हूं, तो साफ साफ इसका आंसर सेकंड वाला ही है, रियल ऑब्जेक्ट एज टीचिंग एड, वो मैंने रियलिया कहता हूँ। जैसे अगर मेरे को मान लो फ्लावर के बारे में पढ़ाना है तो मैं रियल फूल लेके आ गया, ठीक है, जब हमें फ्लावर के पार्ट करते थे, पढ़ाने होते थे किसी को, तो हमारी साइंस टीचर क्या लेके आती थी, चमेली का होता है ना, वो चमेली का लाल लाल होता है, उसके अंदर ऊपर से वो निकले भी होते हैं कि उसके अंदर सारे पार्ट हमें दिख जाएंगे, तो वो वाला फूल लेके आते थे, तो वो रियलिया है एक तरह से बच्चों के लिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं मल्टीलिंगुअल नेचर ऑफ इंडियन क्लासरूम मस्ट बी यूज्ड एज रिसोर्सेज सो दैट, कह रहे हैं मल्टीलिंगुअल है वो रिसोर्स की तरह रहनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। और मल्टीलिंगुअल क्लासरूम की मेन बात क्या है कि उसके अंदर बच्चे को हम अपनाएंगे, उसको रिस्पेक्ट करेंगे, तो कह रहे हैं सो दैट का आगे एवरी चिल्ड्रन फील सिक्योर एंड एक्सेप्टेड, आपने उसको एक्सेप्ट किया है, यही हमारा इसका आंसर है, ठीक है, पहला ही हमारा आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। सिंपल क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि एन इंग्लिश टेक्स्ट बुक फॉर क्लास वन स्टार्ट विद पिक्चर पोएम स्टोरीज एंड एंड विद अल्फाबेट, मतलब पहले उसने पिक्चर दिखाई, पोएम दिखाई, स्टोरीज दिखाई, उसके बाद में वो एंड हो रही है अल्फाबेट के ऊपर। अल्फाबेट हमारा क्या होता है, ए बी सी डी। अब सुन लो एक चीज़ और बताता हूँ, अगर कोई ये कह दे कि ए अल्फाबेट है, बी अल्फाबेट है, तो ये ए हमारा लेटर होता है, हमारे अल्फाबेट के अंदर 26 लेटर होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर। अल्फाबेट का मतलब होता है वर्णमाला, ठीक है, समझ में आ गया। तो
तो कह रहे हैं कि ये बताओ ये कौन सी अप्रोच है। तो समझो एक चीज, ये हमारी है टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच के अंदर क्या होता है, पहले आपने बच्चे को बिगर पिक्चर दिखाई है, पहले आपने बच्चे को स्टोरी दिखाई है, पोएम दिखाई है, उसके बाद में आप दिखा रहे हो ये चीज। और बॉटम अप्रोच क्या थी, पहले हम ये वाली चीजें पढ़ाते जो कि एक्चुअली हम स्कूल्स के में पढ़ाते हैं, उसके बाद हम उनको स्टोरी पढ़ना वगैरह सिखाएंगे, वो बॉटम अप्रोच होती है, टॉप डाउन अप्रोच है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाइल चेकिंग द नोटबुक्स द टीचर ऑब्जर्व दैट अ चाइल्ड हैज रिपीटेडली मेड सम एरर्स इन राइटिंग बी एन डी। बी एन डी आपको पता होना चाहिए क्या है, ये लर्निंग डिसेबिलिटी, हमने CDP के अंदर भी इसको किया था, ये हमारा इसका आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो अगर मैं लर्निंग डिसेबिलिटी भी पूछूं तो डिसलेक्सिया मेरी आंसर था उसका, डिसलेक्सिया है उस बच्चे को। ठीक है, फिर कह रहे हैं टीचर इज टेलिंग अ स्टोरी विद एक्शन एंड जेस्टर्स ऑफ क्लास 3 स्टूडेंट, आफ्टर दिस शी आस्क देम टू ड्रॉ पिक्चर। कह रहे हैं बच्चों को उसने क्या किया, बच्चों को उसने स्टोरी सुना दी। स्टोरी कैसे सुनाई है, एक्शन और जेस्चर से। अब वो कुछ काम दे रही है, आफ्टर दिस शी आस्क देम टू ड्रॉ पिक्चर्स ऑन द स्टोरी इन द ग्रुप। तो कह रहे हैं कि आपको क्या लगता है कि वो टीचर ने वो काम क्यों दिया होगा। देखो भाई, आप जब भी इस तरह का काम देते हो ना, तो वो दो ही कारण होते हैं, या तो आप उनको ये चाहते हो कि उनकी क्रिएटिविटी वो कुछ नया बनाए, समझ रहे हो, वो कुछ नया बनाए। तो इसके अंदर ऐसा तो नहीं हो रहा है, ड्रॉ पिक्चर ऑफ स्टोरी तो वो नया तो नहीं बन रहा है। तो अब आप क्या कर रहे हो, आप ये देखना चाह रहे हो कि जो आपने पढ़ाया है वो किस लेवल का पढ़ाया है, बच्चों को समझ में आया है कि नहीं आया है, समझ रहे हो। फिर कह रहे हैं कि शी वॉन्टेड टू एक्सेस देयर कलरिंग एंड ड्रॉइंग स्किल, ना शी हैड कम्प्लीटेड हर लेसन एज पर हर लेसन प्लान सो शी एंगेज देम इन ड्रॉइंग। नहीं कि उसके पास कुछ एक्स्ट्रा टाइम मिल गया इसलिए उसने सोचा कि बच्चों से ड्राइंग करवा ली जाए, ऐसा नहीं है। शी वांटेड टू एसेस देयर कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द स्टोरी। सही बात है कि वो ये देखना चाह रही है कि बच्चों को मेरा समझाया हुआ समझ में आया है या नहीं आया है, कितनी अंडरस्टैंडिंग उनको हुई है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे एक्टिव वोकेबलरी बताओ, एक्टिव वोकेबलरी के अंदर कौन से वर्ड आते हैं। तो भैया जो हम बार बार यूज करते हैं, यूज फ्रीक्वेंटली, वही हमारी एक्टिव वोकेबलरी होती है। पैसिव कौन सी होती है, जो हम यूज नहीं करते। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं द मेजर एम ऑफ टीचिंग पोएट्री, पोएट्री पढ़ाने का मेजर एम क्या है। वोकेबलरी डेवलपमेंट नेगेटिव हो गया, ग्रामर सिखाना नहीं, बच्चों को पोएट बनाना नहीं, बच्चों को एंजॉयमेंट और एप्रिसिएशन करने के लिए उनको प्रेरित करना, यही हमारा आंसर है, सेकंड हमारा उत्तर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं ये बताओ मोर्फिम क्या है। मोर्फिम जो अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था, रूट वर्ड होते हैं, ठीक है, रूट वर्ड जिनको और ज्यादा नहीं तोड़ा जा सकता वो हमारा मोर्फिम होता है। ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग दैट कैन नॉट बी ब्रोकन अप, उनको आप और ज्यादा नहीं तोड़ सकते, वो हमारे मोर्फिम होते हैं, समझ में आया। ठीक है, तो अगर स्मॉलेस्ट साउंड की बात करूं तो वो हमारा फनीम होगा, लेकिन अगर मैं स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल वर्ड की बात करूं, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंगफुल, जो आप वर्ड भी कहते हैं, जो वर्ड होते हैं वो वर्ड जो और ना तोड़ा जा सके, वो मेरा मोर्फिम होगा, समझ में आ गया, जिसका कोई मीनिंग निकलता हो। नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं अ टीचर ऑफ क्लास 2 यूज लर्नर्स नॉलेज एंड लैंग्वेज, बच्चे की नॉलेज और उसकी भाषा कर रही है टू बिल्ड अ ब्रिज बिटवीन मदर टंग एंड इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। ठीक है, सही काम कर रही है भैया वो। तो इस हिसाब से वो क्या कर रही है, हेड लर्नर्स लैंग्वेज, लर्नर की जो भाषा है वो क्या होगी, हिंड्रेंस होगी, बाधा उत्पन्न करेगी, ट्रांसलेशन होगी, रिसोर्स होगी, वो हमारे लिए संसाधन का रूप होती है, जो बच्चे की भाषा होती है या बहुभाषिक होती है वो हमारे लिए रिसोर्स होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पे चलते हैं। BICS BICS बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है हमारी, जो इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग के बारे में होती है, तो इसका मतलब होता है बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल, कभी इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, सॉरी वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ ही बताया था मैंने आपको व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप से जुड़ोगे तो कुछ हेल्प भी मिल जाएगी आपको। धन्यवाद, और कमेंट जरूर कर देना लास्ट में अपने मार्क्स।